फ्लोट कर रहा है अपनी शीट के अंदर। इस नीचे वाले स्पोर्टिंग रबर तो एक्चुअली थी ही नहीं, इसीलिए ये बाउंस कर रहा था। ये भी थोड़ी कटनी स्टार्ट हो गई थी। कुछ ऐसा लगता है डिस्कवर बगैर शोकर्स के। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम हमारे बाइक के रियर शोकर्स को रिपेयर करने वाले हैं। एज यू कैन सी, ये शोकर कैसे ऑयल लीक हो रहा है इसके अंदर से। ये ऑलमोस्ट अपनी लास्ट स्टेज के ऊपर ही है और रफ यूज के कारण इसकी जो रबड़ होती है, इसे स्पोर्टिंग रबड़ जिसको हम बोलते हैं, ये भी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कैसे फ्लोट कर रहा है अपनी शीट के अंदर। शोकर के दूसरे पैर में ऑयल की लीकेज तो नहीं है, पर इसकी भी जो रबड़ है वो डैमेज हो चुकी है, स्पोर्टिंग रबड़, और ये भी उसकी तरह ही फ्लोट कर रहा है। तो अब इन दोनों शोकर्स को हम रिमूव करते हैं और इन्हें भेजते हैं रिपेयर होने के लिए। इसके अंदर इसका जो ऑयल होता है ये चेंज होगा और रबड़ भी जो है न्यू डलेगी। रिसेंटली मैंने इस डिस्कवर के ऊपर एक मेजर सर्विस की वीडियो बनाई थी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस लिंक को आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। नाउ वी आर रिमूविंग द रियर शॉकर्स। एक तरफ का शोकर दोस्तों निकल चुका है, यू कैन सी, और दूसरी तरफ का शोकर निकालने के लिए हमें पहले साइलेंसर को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इस बोल्ट को खोलने के लिए साइलेंसर काटना ज़रूरी है। शोकर्स दोस्तों दोनों रिमूव हो चुके हैं, दोनों साइड वाले, और आप देख सकते हैं ये इनकी कंडीशन कितनी ख़राब है। खराब कंडीशन के कारण शोकर्स के अंदर जो है रैटलिंग नॉइज भी जनरेट होनी शुरू हो गई थी, जो काफ़ी इरिटेटिंग साउंड होती है। और अगर हम बात करें स्पोर्टिंग रबड़ की, तो इसकी ऊपर वाले स्पोर्टिंग रबड़ की हालत तो थोड़ी ठीक है, दूसरे शोकर की ऊपर वाली स्पोर्टिंग रबड़ भी थोड़ी ठीक लग रही है, मगर नीचे वाली जो स्पोर्टिंग रबड़ है ये भी थोड़ी कटनी स्टार्ट हो गई थी ऑलमोस्ट। और दूसरे शोकर की नीचे वाली स्पोर्टिंग रबड़ तो एक्चुअली थी ही नहीं, इसीलिए ये बाउंस कर रहा था। और अब भेजते हैं शोकर्स को रिपेयर होने के लिए, और कुछ ऐसा लगता है डिस्कवर बगैर शोकर्स के। कैमरे में शायद आपको जस्टिफाई ना हो पा रहा हो, मगर इसकी हाइट काफ़ी कम हो चुकी है बिना शोकर्स के। 2 hours later, यहाँ शोकर दोस्तों रिपेयर होके आ चुके हैं, और आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, इनके अंदर अब रैटलिंग नॉइस नहीं है जो पहले थी, और अब बारी इन्हें फिट करने की बाइक में। लेकिन उससे पहले हमें करेंगे यहाँ की सफाई, क्योंकि जो पहले वाले शोकर का ऑयल लीक हुआ था उसकी वजह से यहाँ पे ऑयल का सैलाब है, इसे साफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसे फिट करते हैं। सो क्लीनिंग इज डन, और अब बारी है शोकर को दोबारा माउंट करने की।
दोनों शॉकर्स दोस्तों दोबारा माउंट हो चुके हैं और अब बारी है साइलेंसर को फिट करने की। तो यहाँ वीडियो को दोस्तों मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ठीक 3 दिनों बाद, ताकि मैं भी ऑब्जर्व कर पाऊँ कि शॉकर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शॉकर्स की परफॉर्मेंस तो वेल एंड गुड है। मुझे लगभग 3 दिन हो गए बाइक को यूज़ करते हुए और मैंने बाइक से लगभग 150 किलोमीटर की ट्रिप भी कर ली है, जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया था, नहीं कोई रैटलिंग नॉइज थी और ओवरऑल शॉकर्स एकदम सक्सेसफुली हमारे रिपेयर हो चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यही था, और अगर आपको ये काम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए